दर्शकों 121 स्कूप में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद असलम जो कि एक राजनीतिक विशेषज्ञ है। आइए हम उनसे जानते हैं उत्तर प्रदेश चुनाव के बारे में कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव जो कि एक महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहा है इस देश का, जो किस ऊंट राजनीतिक वहां का किस करवट बदलेगा। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। मोहम्मद असलम साहब आपका स्वागत है हमारे 121 स्कूप में। आप ये बताइए कि जो उत्तर प्रदेश का जो चुनावी गणित है वो किस किन बातों पर आधारित है। धन्यवाद 121scoop.com। जैसा कि आपने मुझसे सवाल किया कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिलने की संभावना है, तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को बताना चाहूँगा मेरा जो अपना राजनीतिक पीढ़ी दर पीढ़ी अनुभव है। उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी, एक साफ सुथरी छवि उनकी है। मुझे ऐसा लगता है कि उनकी साफ सुथरी छवि का फायदा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को इस चुनाव में मिलेगा। दूसरी बात यह है, और इसके अलावा जो दूसरा राजनीतिक पक्ष है उत्तर प्रदेश में, बहन मायावती जी का, उनका अपने समाज का एक जो वोट है तकरीबन उसकी तादाद 20% है। उसके अलावा जो बहन मायावती जी की जो दूसरे वोट बैंक पर जो नजर थी, वो दूसरा जो सॉलिड वोट बैंक है जो एक तरह से एक बहुत ही बड़े बहुत ही ईमानदारी के साथ वचनबद्धता के साथ अगर वोट करता है दलितों का अलावा उस प्रदेश में, तो एक मुस्लिम समाज एक है। तो बहन मायावती जी के बार बार विशेष आग्रह करने के से ये मालूम पड़ रहा है कि बहन मायावती जी को आंतरिक सूत्रों से ये खबरें आ रही हैं कि भले ही मैंने 97 तकरीबन मुस्लिम समाज से उम्मीदवार उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 97 लोगों को टिकट दिया है ताकि इससे प्रभावित होकर वो समाज मुझे वोट दे, लेकिन बार बार बहन मायावती जी का हर 10-15 दिन में एक बयान आता है कि समाज उत्तर प्रदेश के मुसलमान समाजवादी पार्टी कांग्रेस के गठबंधन को वोट ना दें, वो बहुजन समाज पार्टी को वोट दें। यदि मुसलमानों ने बहुजन समाज पार्टी को वोट ना देकर समाजवादी वोट दिया तो इससे इसका फायदा बीजेपी को पहुंच जाएगा। मेरा अपना आकलन, मेरी अपनी समझ ये कहती है कि किसी भी बात को बार बार वही व्यक्ति दोहराता है जब उसको उस बात में शंका होती है, वो विश्वास नहीं कर पाता कि जिस समाज के संदर्भ में वो बार बार आग्रह कर रहा है वो समाज हमें वोट देने जा रहा है। जी, भारतीय जनता पार्टी जो कि इस चुनाव की प्रबल दावेदार दिखाई देती है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के बारे में निष्पक्ष भावनाओं के साथ, क्योंकि मैं किसी पार्टी का कोई सदस्य नहीं हूं और मुझे किसी पार्टी से कोई लाभ लेने वाली बात या किसी पार्टी को फायदा पहुंचाने वाली बात मेरे मन में ऐसे है नहीं। मैं एक राजनीतिक विश्लेषक हूं और मैं समझता हूं कि मेरे अलावा जो भी लोग इस देश में राजनीति की समझ रखते हैं, हमारे देश के लोकतंत्र के माध्यम से राजनीति भी एक मार्ग है लोगों की समस्या करने का। तो ये एक पवित्र चिंतन मंथन है हमारे देश का राजनीति का विश्लेषण करना। इस पर निष्पक्ष भावनाओं के साथ लोगों ने, मैं देखता हूं कि जो जिस विचारधारा को पसंद करता है वो आंख बंद करके उस विचारधारा से की बात करता है। अब मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में तीसरे नंबर की पार्टी है।
लेकिन अगर लोकसभा को देखते हैं हम तो भारतीय जनता पार्टी का प्रतिशत जो है पिछले विधानसभा चुनाव में जहां उसको 15% वोट मिले थे अभी उसको 42% लोकसभा चुनाव में वोट मिले थे, तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा? देखिए, अगर आप भारत में चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत हुई 1952 में, पहली 1947 में पहली मनोनीत सरकार थी जिसके लिए आम चुनाव नहीं किए गए थे। देश की आजादी के बाद मनोनीत सरकार थी, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी मनोनीत थे, केंद्रीय पूरा मंत्रिमंडल मनोनीत था। उसके बाद जब पहला हमारा आम चुनाव 1952 में हुआ, वहां से लेकर उसके बाद जितने भी चुनाव होते हैं, 57 में होते हैं, 62 में होते हैं, 63 में होते हैं, 1968 में होते हैं, और उसके बाद 1972 में होते हैं, उसके बाद आपातकाल लगता है 1975 में, फिर आपातकाल के बाद 1977 में चुनाव होते हैं, फिर इंदिरा जी की हत्या हो जाती है, फिर 1977 के बाद आपातकाल के बाद 77 में चुनाव होते हैं 1900, फिर उसके बाद एक पार्टी जनता पार्टी की सरकार आती है, फिर वो चला नहीं पाते, फिर 1980 में फिर आम चुनाव होते हैं, इंदिरा जी फिर प्रबल बहुमत के साथ वापस सत्ता में वापसी कर लेती हैं, उसके बाद 1984 में इंदिरा जी की हत्या हो जाती है उनके अवरक्षों द्वारा, उसके बाद राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बनने, सहानुभूति लहर का फायदा उनको मिल जाता है, उसके बाद 1987 में भूतपूर्व प्रधानमंत्री विश्वराज प्रताप सिंह जी बोफोर्स तोप घोटाले के खिलाफ पूरे देश में एक माहौल बना देते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो देश की जनता उनका साथ देती है। 1989 में दोबारा फिर गैर कांग्रेस की सरकार का गठन इस देश में होता है, और उसके बाद फिर 91 में चुनाव होता है, फिर 93 में चुनाव होता है, फिर 1996 में, फिर 97, उसके बाद 98 में, फिर 2004 में, फिर 2000, ये सारे जितने भी चुनाव 1952 से लेकर 2014 के जो चुनाव आम लोकसभा के आम चुनाव हुए हैं, इसमें से आप एक 1977 का एक आपातकाल के रोज जनता का रोष, वो एक परंपरा का एक अपवाद के तौर पर वो जनता का किसी सरकार को चुनना जी, इसी तरह के हम 2014 के चुनाव को भी एक अपवाद समझ सकते हैं। तो मेरा यही जानना था आपसे कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति यूपी में किस बात पे मुनासिर है, किस बात पे आधारित है? जैसा कि आप भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में मुझसे पूछ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जीत का दारोमदार क्या है, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल भी आश्वस्त नहीं है अपने 2014 के परिणामों से, क्योंकि 2014 में जो मुद्दे लेकर भारतीय जनता पार्टी ने वहां की 73 सीटों पर विजय प्राप्त करी थी, उसमें भारतीय जनता पार्टी की जीत से बड़ी बात मुझे कांग्रेस आई की 10 साल की गत सरकार की नाकामयाबी, विफलता, भ्रष्टाचार लगता है। और दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2014 का जो चुनाव जीता वो बहुत ही बड़े बड़े देश की जनता को बड़े बड़े लालच दिए, मुख्य तौर पर जैसे मैं आपको बताऊं कि प्रत्येक मतदाता के मन में 15 लाख का लालच आया, जो कि भारतीय जनता पार्टी ने 15 लाख काला धन हम विदेश से वापस लाएंगे और प्रत्येक नागरिक को 15 लाख रुपए मिलेंगे, और भ्रष्टाचार से त्रस्त देशवासी जो 10 साल से कांग्रेस आई निरंकुश शासन में जो भ्रष्टाचार बर्पा हो गया था उससे भी देश की जनता थी, एक तरफ देश की जनता भ्रष्टाचार से त्रस्त थी, बेरोजगारी का एक समस्या थी, एकांतकवाद की समस्या थी, नक्सलवाद की समस्या थी, महिला सुरक्षा की समस्या थी, अल्पसंख्यक असुरक्षा की समस्या थी, दलित उत्पीड़न की समस्या थी, ऐसी बहुत सारी समस्याओं का भारतीय कांग्रेस पार्टी ने उस पर कोई सकारात्मक कोई कार्य नहीं किया,
उन्हीं कांग्रेस की इसी विफलता को भारतीय जनता पार्टी ने भुना दिया, भुनाकर अब उसको अपना मुद्दा बना लिया। और विशेष तौर पर भारतीय जनता पार्टी को मैं 2014 के चुनाव में जो 15 लाख रुपए का जो मुद्दा है, 15 लाख रुपए का जो मुद्दा है, ये भारतीय जनता पार्टी की जीत में बहुत बहुत ही कारगर साबित हुआ है। आपने मुद्दों की बात की, तो आप 2014 नहीं बल्कि अब 2017 में उत्तर प्रदेश के चुनाव में किन बड़े मुद्दों को आप देखते हैं? जहाँ तक मेरी अपनी समझ काम करती है और मैं जो उत्तर प्रदेश के जो राजनीतिक समझ रखने वाले लोगों से मेरा जब संपर्क होता है या मैं जब उत्तर प्रदेश में घूमता हूँ अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में, तो मैं यही पाता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी उम्मीदवार हो या बहन मायावती जी की पार्टी, बहुजन समाज पार्टी का, या किसी अन्य पार्टी का उम्मीदवार हो, वो किसी उम्मीदवार के खिलाफ तो कोई भी नकारात्मक बात कर देता है, पार्टी के खिलाफ बोल देता है, लेकिन अखिलेश यादव जी की इतनी साफ सुथरी छवि है। और दूसरा, अखिलेश यादव जी ने जो पिछले 5 साल में जो शासन दिया है, तो उत्तर प्रदेश, मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश के अब तक के सबसे अच्छे मुख्यमंत्री के तौर पर वहाँ की जनता देखती है। निर्विवाद रूप से उन्होंने एक अच्छा शासन दिया, वो सुशिक्षित है और भेदभाव नहीं करते हैं वो, और जो एक तो एक तरह से जो समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में जो छवि पिछले 10-15 साल से जो बनी हुई थी, या उसको और विपक्षी पार्टियां और उसको हवा देती थी, जैसे समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है, समाजवादी पार्टी जब उत्तर प्रदेश में शासन करती है तो गुंडों के हौसले बुलंद हो जाते हैं, तो अखिलेश यादव जी ने इस मुद्दे को लेकर बहुत ही सकारात्मक काम किया है। जिस विधानसभा क्षेत्र से अखिलेश यादव जी को खबर आई कि हम इस उम्मीदवार को अगर उतारेंगे तो विपक्षियों को हमारे खिलाफ मुद्दा मिलेगा और जनता की नाराजगी का भी हमें सामना करना पड़ेगा, तो उन्होंने आम तौर पर तो जितने भी राजनीतिक पक्ष होते हैं ये आंकलन करते हैं, ये नफे नुकसान, नफा कित हो रहा है तो एक गलत बात को भी स्वीकार कर लेते हैं, नुकसान हो रहा है तो ये अच्छी बात को भी छोड़ते हैं। लेकिन अखिलेश यादव एक पढ़े लिखे होनहार नौजवान मुख्यमंत्री हैं इस देश के, तो उन्होंने इन सब बातों को दरकिनार करके ऐसे बहुत सारे लोगों को टिकट काट दी जिससे उनकी पार्टी की नकारात्मक छवि बनने के बाद अन्य पार्टियों को उसका फायदा मिल जाता जी। और दूसरी बात यह है कि अखिलेश यादव जी ने पिछले 5 साल में जो कार्य किया, विशेष तौर पर जो उन्होंने एक ऐसा 309 किलोमीटर का आगरा से, दिल्ली से आगरा तक पहले से ही नेशनल हाईवे है, और आगरा से जो लखनऊ तक उन्होंने जो एक सुपर एक्सप्रेस हाईवे 6 लाइनर जो उन्होंने बनाया, वो देश के इतिहास में अपने आप एक अद्भुत कारनामा है कि उन्होंने 23 महीने में 309 किलोमीटर का 6 लाइन सुपर एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण किया, और उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण विभाग नहीं उस रोड को, 6 लाइन के रोड को उन्होंने तैयार किया। और बड़े इसमें एक बड़ी सकारात्मक अचरज और हैरत अंगेज बात यह है कि हमारे देश में जब कोई भी योजना परियोजना आती है जनहित में, राष्ट्रहित में, जनहित में कोई भी उसमें अड़ंगे बहुत आते हैं अब उसमें, लेकिन अखिलेश यादव जी ने अपनी सूझबूझ का ऐसा उपयोग किया कि रोड बनाने के लिए आगरा से लेकर लखनऊ तक जितने भी किसानों की भूमि ली जा रही थी उनको उनके मार्केट वैल्यू के हिसाब से उनको पैसा दिया, खुशी खुशी सब लोगों ने 309 किलोमीटर। क्या उनका ये जो काम है, ये काम उनका इलेक्शन में इशू रहेगा, या जिस तरह से जातीय समीकरण होते हैं उत्तर प्रदेश में, या फिर धर्म के नाम पे जो ध्रुवीकरण होता है, तो वो हावी रहेगा?
देखिए, इस बात से तो मैं बिल्कुल भी इनकार नहीं करूंगा, उत्तर प्रदेश में चुनाव हो, वहाँ धर्म के नाम पर राजनीति करने की बात ना हो और जाति समीकरण के आधार पर टिकट वितरण की बात ना हो, ये तो एक उत्तर प्रदेश एक तो सभी पार्टियां इसमें शामिल होती है। मेरा अपना आंकलन ऐसा है कि 80% पार्टियां राजनीतिक 80% पार्टियों का जो टिकट वितरण होता है वो जाति आधारित होता है, वो जाति आधारित होता है। तो उसमें समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव जी की पार्टी इससे अछूती नहीं रह सकती। और रहा सवाल धर्म के नाम पर, तो भारतीय जनता पार्टी बात तो करती है विकास की, बात तो विकास की करती है, पिछला चुनाव भी विकास का, लेकिन जो इनके सभ्य शालीन और अच्छे नेता हैं, क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपना मुख्य प्रचारक बनाया। भारतीय जनता पार्टी की बात करें आप, तो इसमें क्या मतलब उनके अंदर जैसे चेहरा एक अखिलेश का सामने है, हाँ। बाकी दूसरी पार्टी खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के पास कोई चेहरा क्यों नहीं बन पाया चीफ मिनिस्टर का? दरअसल भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अपना मुख्यमंत्री इसलिए नहीं पेश कर पाई, एक तो उनके पास अखिलेश यादव के मुकाबले का कोई चेहरा नहीं था, और दूसरा ये है कि अगर वो किसी भी क्षेत्र से कोई चेहरा पेश भी करते तो वो उत्तर प्रदेश भौगोलिक दृष्टिकोण से 5 खंडों में बटा हुआ है। तो उदाहरण के लिए अगर किसी पूर्वी उत्तर प्रदेश से किसी को वो पेश कर देते तो फिर भारतीय जनता पार्टी को अन्य क्षेत्रों से वो उनकी उम्मीदों के हिसाब से उनको वोट नहीं मिलते। तो भारतीय जनता पार्टी की एक नहीं अनेकों मजबूरी है जी। तो क्या अंतरकला माना जाए उसको बीजेपी का, या फिर मोदी अपना मोदी का चेहरे पे लेके चुनाव लड़ना चाहते हैं? दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में मैं यही कहूंगा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पास, उत्तर प्रदेश एक विशाल प्रांत है हमारे देश का, सबसे 20 करोड़ उसकी आबादी है, 403 सीट है, इतने बड़े प्रदेश को संभाल कर पार्टी के राज्य की इकाई को संभाल के चलना और फिर अपना नेतृत्व पेश करना और विरोध ना होना, भारतीय जनता पार्टी के लिए तकरीबन ये असंभव सा कार्य था। यही वजह से भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ स्थानीय चेहरा पेश नहीं किया और नरेंद्र मोदी जी के नाम पर ही वो चुनाव लड़ने की तैयारी उन्होंने की और नरेंद्र मोदी जी को ही उन्होंने चेहरा मानकर चुनाव लड़ा। वो तो कहते हैं कि हमारे पास बहुत चेहरे हैं, मौर्या है, उमा भारती है, संगीत सोम है, राजनाथ सिंह है, कलराज मिश्र है, ऐसे बहुत चेहरे, अनेक चेहरे मुख्यमंत्री के दावेदार के हमारे पास मौजूद है। देखिए राजनाथ सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे उसके बाद, जब वो मुख्यमंत्री थे राजनाथ सिंह, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उनको चेहरा बनाकर चुनाव लड़ा तो वो भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह परास्त हो गई और बहन मायावती जी के वहाँ सरकार हो गई। और रहा सवाल आपने जो संगीत सोम का नाम लिया, संगीत सोम मुजफ्फरनगर जिले की और उसके आसपास के 2-4 जिलों का एक चेहरा है, वो टीवी चैनलों के माध्यम से प्रदेश उत्तर प्रदेश की जनता उनको जानने लगी कि सोमपाल के नाम के भी कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। और रहा सवाल योगी आदित्यनाथ जी को ये नारा लग रहा था कि पूर्वांचल में रहना होगा तो योगी योगी कहना होगा, सबसे ज्यादा पॉपुलर कैंडिडेट नहीं, योगी आदित्यनाथ जी सबसे ज्यादा पॉपुलर कैंडिडेट होंगे गोरखपुर अंचल के, वो पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी, वो पूरा उत्तर प्रदेश भी उनको अपना नेता नहीं मानता, पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो योगी आदित्यनाथ योगी और मध्य उत्तर प्रदेश के मध्य में योगी आदित्यनाथ जी को नहीं जानता। और दूसरी बात यह है कि योगी आदित्यनाथ जी की जो छवि है वो एक कट्टरवादी भारतीय जनता पार्टी के नेता की छवि है, और भले भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर, मंदिर के नाम पर,
या कब्रिस्तान के नाम पर, शमशान के नाम पर वगैरह वगैरह के नाम पर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इस बार के चुनाव में उत्तर प्रदेश के 14 करोड़ जनताओं के मन में धार्मिक ध्रुवीकरण की या धर्म के नाम की या दूसरे अन्य इसी तरह की कोई बात मुझे नजर नहीं आती हम चलिए अब जो 7 फेज में अलग अलग चुनाव हो रहा है इसको हम देखते हैं, तो किस तरह से चुनाव, जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेते हैं तो वहां कौन किस तरह के समीकरण बनते हैं राजनीतिक? देखिए ऐसा है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में 154 सीटें हैं। पहला चरण हुआ था 73 सीटों पर, तो वो 73 सीटों पर तकरीबन 22% जाट मतदाता थे, और जाट मतदाता हरियाणा में आरक्षण की मांग के बाद हरियाणा में जाटों को आरक्षण ना देना और आरक्षण ना देना के बाद जो जाटों के आरक्षण की मांग के आंदोलन को जो हरियाणा सरकार ने जो दमन किया और उनको उस आंदोलन को जो शक्ति बल से कुचला, तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के जाट भारतीय जनता पार्टी से बहुत ज्यादा रुष्ट हो चुके थे और हरियाणा और उत्तर पश्चिम उत्तर ये आप कैसे कह सकते हैं कि लोकसभा में पश्चिम उत्तर प्रदेश की तमाम 21 के 21 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी? देखिए 2014 के चुनाव को आप जो है ना इस देश में 1952 से जाटों की भूमिका को लेकर बात कर रहा हूँ, जाटों की भूमिका को जाटों के लिए ऐसा क्या बदलाव आ गया कि जाट जो है वो बीजेपी से नाराज? गाजियाबाद के वर्तमान लोकसभा सदस्य आदरणीय केंद्रीय मंत्री वीके सिंह जी को भारतीय जनता पार्टी ने, वो भूतपूर्व सेना अध्यक्ष थे हमारे देश के, उनको वो जाट समुदाय से है, उनको ये बोलकर टिकट दिया था और ये वोट कर उनसे समर्थन लिया था कि हम आपको रक्षा मंत्री बनाएंगे और एक भूतपूर्व सेना के अध्यक्ष को आप राजनीति में लाते हो और उनको चुनाव का टिकट देते हो और वो फिर वो 5 लाख वोटों से वो जीतते हैं, फिर उनके बाद उसके बाद आप उनको रक्षा मंत्री ना बनाकर पूर्व विदेश राज्य मंत्री बनाते हो, तो वो उसका जाट समुदाय पर वो भी एक असर गया और सबसे बड़ा असर तो, और दूसरी बात यह है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो जाटों के नेता हैं चौधरी अजीत सिंह जी, जाट समुदाय ने वहाँ ये देख लिया कि सबकी अपनी अपनी पार्टी है। बहन मायावती जी दलितों की पार्टी बनाई, बहन मायावती जी की जो पार्टी है उसको दलितों की पार्टी बोलते हैं, एक छवि बनी हुई है। हाँ, एक छवि उनकी बनी हुई है, उनका कैडर भी है अपना। हाँ, और जैसे समाजवादी पार्टी यादव और मुस्लिम, ये मुलायम सिंह के दौर में माना जाता था। हाँ, नहीं वो मुलायम सिंह जी के MY कॉम्बिनेशन, MY कॉम्बिनेशन ही समाजवादी पार्टी में उत्तर प्रदेश में दोबारा समाजवादी पार्टी को सत्ता में लाने का एक बहुत बड़ा मुझे आधार दिख रहा है। और दूसरी बात यह है कि अखिलेश यादव जी ने सिर्फ इसी बात पर निर्भर रहे कि मुस्लिम यादव वो कोई हम वोट दें, उसी का गुणगान करें, उन्हीं दोनों समाज का हम विकास करें, अन्य समाज की अनदेखी करें, मुझे नहीं लगता अखिलेश यादव जी ने ऐसा कुछ किया है। वो सारे समाजों को साथ लेकर चल रहे हैं, सभी समाज में ठाकुर समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, वैश्य समाज हो या अन्य पिछड़ा वर्ग हो, मुस्लिम हो, जाट समाज, सभी समाज के लोगों को उन्होंने टिकट दिया और सभी समाज के लोगों का वो समाजवादी वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के 2017 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के अलावा मुझे ऐसी कोई दूसरी पार्टी दिख नहीं रही जिसका सभी समाज में मतदाता ना हो। जी, हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे। हाँ। तो पहले जो पड़ाव, पहले जो चुनाव के फेज थे उसमें 100
52 के लगभग जो सीटें थी, तो उसमें क्या देखते हैं आप, उसका नतीजे किस तरह से ओडो का ध्रुवीकरण हुआ होगा? आरएलडी है वहां पर अजीत सिंह की पार्टी, बीएसपी है, बीजेपी बड़ी दावेदार थी वहां से, समाजवादी भी है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो 154 सीटों पर जो चुनाव हुआ था, वो उसको हम दो भागों में अगर हम उसका आकलन करेंगे तो पहले फेस में 73 सीटों पर चुनाव हुआ था और दूसरे फेस में 69 सीटों पर चुनाव हुआ था। पहले फेस में हमारे पास जो रिपोर्ट आ रही है, जिसमें मुख्य तौर पर गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर और बागपत और बुलंदशहर, हापुड़, नोएडा, इन मुख्य तौर पर इन जिलों में चुनाव हुआ, तो ये सारे के सारे जाट बहुल एरिए हैं। इसमें जाटों का एक तरह से कि जैसे कोई दोस्ती में आकर किसी के साथ, मित्र दोस्ती में आकर किसी के साथ अब बहुत अच्छा उसका सहयोग करता है, और दुश्मनी में जब कोई जब किसी से दुश्मनी कर लेता है तो वो उसके खिलाफ उतनी ही ऊर्जा के साथ कार्य करता है। मुझे ऐसा लगता है पश्चिम उत्तर प्रदेश के पहले फेस में जो 2014 के चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी का 21 की 21 सीटों पर वो जीते थे, उस जीत में भारतीय जनता पार्टी की जाट समुदाय के लोगों का बहुत बड़ा योगदान था। तो अभी वर्तमान चुनाव में जो हमारे पास जो रिपोर्ट है पश्चिम उत्तर प्रदेश के पहले फेस में ज्यादा जाट मतदाता थे, उसमें 90% जाट मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट दिया और उन्होंने अपने ही लीडर चौधरी अजीत सिंह जी हैं, भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री भी हैं और आदरणीय दिवंगत प्रधानमंत्री, इस देश के पहले कृषि प्रधानमंत्री, किसान प्रधानमंत्री के बेटे भी हैं, उन्होंने अपने ही समाज के नेता को उसके हाथ में नेतृत्व देकर उनके ही पीछे चलने की बात की है। चलिए फिर आगे के हम पड़ाव देखते हैं, दो ये 150 सीटों, फिर आगे जो फेजेस थे वो किस तरह की पॉपुलेशन से डोमिनेटेड थे और वहां कैसे समीकरण बने होंगे? तीसरा फेस जो था 67 सीटों पर, वो पूरी तरह से यादव बहुल क्षेत्र था, बस जो मध्य उत्तर प्रदेश है, इटावा, मैनपुरी, कानपुर वगैरह वगैरह, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और बहन मायावती जी की पार्टी बहुजन समाज पार्टी बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में नहीं है। तो तीसरे फेस में भी समाजवादी पार्टी बढ़त ले जा रही है जी। उसके बाद चौथा और पांचवा फेस देखते हैं। तीसरे फेस के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी को जब आंतरिक सूत्रों से उनको ये सूचनाएं मिली हैं कि तीसरे फेस में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बहुत ही ज्यादा पिछड़ रहे हैं, उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी ने तीसरे, चौथे, पांचवे, छठे फेस के लिए, सातवें फेस के लिए उन्होंने वही अपनी पुरानी रणनीति धार्मिक ध्रुवीकरण की अपना ली। आप देख ही रहे हैं कि हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो कब्रिस्तान की बात करते हैं, शमशान की बात करते हैं, रमजान में बिजली दो देते हो तो दिवाली में, तो मुझे बुचर खाने हैं, कसाब है, और भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जी। मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे जो मौजूदा वर्तमान आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं, तीसरे चरण के बाद जो उनका जो चुनाव प्रचार का जो एक रवैया था, वो मुझे नहीं लगता कि वो एक इतने बड़े, इतने महान देश के प्रधानमंत्री ने कब्रिस्तान और शमशान की बात करके लोगों के बीच में मतदान अपने हक में करने की बात, मुझे नहीं लगता। ये उनको ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता धार्मिक है, सांप्रदायिक है, तो उस पे
हमारी इन बातों का असर होगा। मुझे नहीं लगता प्रधानमंत्री जी की इस प्रधानमंत्री जी के इस तरह के बदले हुए प्रचार की वजह से उनको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। जो उत्तर प्रदेश के जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो पहले उत्तर प्रदेश में चुनाव घोषित होने से 8 मार्च 2017 को जो आखिरी चरण होने सातवां आखिरी चरण होने जा रहा है, वहां तक भारतीय जनता पार्टी को तीसरे ही नंबर पर देख रहे हैं। जी, एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी का, नोटबंदी का, तो जिसका इम्पैक्ट आप, जिसका असर आप यूपी के चुनाव में क्या देखते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश हाँ, एक खास बात ये भी रही कि एक ऐतिहासिक फैसला था, लेकिन प्रधानमंत्री जो है अपने भाषणों में और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी नोटबंदी के मुद्दे पे बात करने से हिचकते रहे, ऐसा क्यों रहा? देखिए, नोटबंदी तो पूरे देश में लागू हुई, इसका प्रभाव तो पूरे देश के 125 करोड़ जनता पर पड़ा, लेकिन अब आप मुझसे चर्चा कर रहे हैं विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश में हो रहे चुनाव पर, तो मैं पूरे देश की बात संक्षिप्त में करके विस्तार पूर्वक मैं आपको उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के बारे में मैं आपको बात करनी चाहूंगा। उत्तर प्रदेश पूरे भारत का एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां की अर्थव्यवस्था 90 से 95% नकदी में चलती थी, और उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रांत है इस देश का, जो इस देश का गौरव भी है, जो इस देश का सौभाग्य भी है। वहां हर शहर अपने एक नाम से जाना जाता है। जैसे उदाहरण के लिए यदि आप फिरोजाबाद का नाम सुनेंगे तो आपको चूड़ी खनकती दिखेंगी, आप मेरठ का नाम लेंगे तो आपको बाजी और कैंची, बाजे बजते दिखेंगे आपको, कैंची आपको दिखेगी आपकी कल्पना में। आप बनारस का नाम लेंगे, आप लखनऊ, आप कानपुर का नाम लेंगे, आप इलाहाबाद का नाम लेंगे, आप मुरादाबाद का नाम लेंगे, आप खुर्जा का नाम लेंगे, जिस बड़े का नाम लेंगे, आगरे का नाम लेंगे, आप जिस बड़े शहर का भी आप नाम लेंगे, तो वहां कुछ ना कुछ उनकी लघु उद्योग के नाम से या बड़े उद्योग के नाम से उनकी पहचान है। तो वहाँ उद्योग जो मिनी उद्योग हो, छोटा लघु उद्योग हो या बड़े उद्योग हो, ये पूरी तरह से निर्भर होते हैं मैन पावर पर। तो नोटबंदी के कारण जो लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से ये बता दूं कि भले ही उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े शहर हों, लेकिन उत्तर प्रदेश का जो ग्रामीण क्षेत्र है, वो इतना विकराल है, वहाँ 20-20, 30-30, 50-50 की आबादी के वहाँ गांव होते हैं, और उत्तर प्रदेश में आप उसको अशिक्षा के दृष्टिकोण से देखें या असुरक्षा के दृष्टिकोण से देखें, बैंकिंग व्यवस्था उत्तर प्रदेश की उतनी मजबूत नहीं है जितनी अन्य प्रदेशों में है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, उत्तर प्रदेश की 10-10 हजार की आबादी के गांवों के मैं आपको नाम बता सकता हूं जहां एक भी बैंक नहीं है। अब ये बताइए आप, जिस 10 हजार की आबादी के बैंक आबादी के गांव में बैंक नहीं है, और वहां अचानक सरकार ऐसी घोषणा करती है कि अब जो तुम्हारा पुराना नोट था अब ये चलेगा नहीं, मार्केट में चलेगा नहीं, अर्थात आप इसको बदल लो, बदलने के लिए आपको 5-7 किलोमीटर आपको जाना पड़ेगा। तो आपका मतलब ये है कि नोटबंदी का भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ होगा? समाजवादी पार्टी के भाषण अगर आप सुनेंगे और बहन मायावती जी के भाषण अगर आप सुनेंगे, तो उनके किसी भी राज्य स्तर के नेता या उम्मीद पार्टी के उम्मीदवार, मुझे नहीं लगता किसी भी सभा में वो नोटबंदी को उन्होंने अपना मुद्दा ना बनाया हो। और भारतीय जनता पार्टी के लोग नोटबंदी का नाम लेने से इसलिए कतरा रहे हैं, उनको
आंतरिक सूचनाएं मिल चुकी हैं कि उत्तर प्रदेश में नोटबंदी की वजह से उत्तर प्रदेश की 14 करोड़ मतदाताओं की नाराजगी का हमें खामियाजा उठाना पड़ेगा। तो इसीलिए नोटबंदी के मुद्दे से लोगों को हटाने के लिए वो अन्य मुद्दों की बात करते हैं जी। जैसे कि जैसे अभी मैंने आपको बताया, वो कभी कमरास्तान की बात करते हैं, कभी शमशान की बात करते हैं, कभी कभी। और बड़ी अजीबोगरीब बात है कि अभी इस चुनाव में उत्तर प्रदेश में हो रहे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कानपुर में रेल हादसे को भी उन्होंने आतंकवाद से जोड़ दिया। यानी अब ये राजनीति का कितना स्तर गिर चुका है कि हमारा एक मंत्रालय कार्य करने में पूरी तौर से सक्षम नहीं है, देख रेख में सक्षम नहीं है, और हम उसका ठीकरा फोड़ देते हैं आतंकवादी ऊपर जी जी। चलिए हम बात करते हैं अब आखिरी दौर के चुनाव के पूर्वांचल को लेकर, कि पूर्वांचल की जो स्थिति है कि भाई प्रधानमंत्री स्वयं 3 दिन तक वहां रुके हैं, तो क्या इसलिए रुके हैं कि उनकी पार्टी बहुत मजबूत है, या फिर इसलिए कि पार्टी के अंदर बगावत है, या फिर इसलिए कि पार्टी को फुल मेजोरिटी से जितवाना चाहते हैं? देखिए, आपको अगर याद होगा 2014 के चुनाव में प्रधानमंत्री जी ने जो उनका पुराना उनका जो लोकसभा क्षेत्र है गुजरात में जी, जहां से वो चुनकर आए थे इसके पहले के चुनाव में, जहां से वो उन्होंने पहला उनका जो पैतृक है गुजरात, और वहां से उन्होंने नामांकन भरा, और उसके बाद उन्होंने पैरेलल उन्होंने उत्तर प्रदेश की 80 सीटों को देखते हुए उन्होंने ये बात देश के सामने रखनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश से भी मैं चुनाव इसलिए लड़ूंगा ताकि वो लगे कि भाई अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूर्वांचल पे उसका पूर्वांचल पे असर पड़ता। और 2014 के लोकसभा के चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2 जगह से आपने लोकसभा का चुनाव लड़ा, आप दोनों जगह जीते, लेकिन आपने गुजरात की लोकसभा की सीट को उतना समय नहीं दिया जितना आपने बनारस की लोकसभा की सीट को अपने चुनाव प्रचार के दौरान समय दिया। इससे ये जान पड़ता है कि गुजरात की सीट पर आप आश्वस्त थे कि मैं यहाँ आसानी से जीत जाऊंगा, यहाँ मेरा कोई मजबूत प्रतिद्वंद्वी नहीं है मैदान में। और पिछले बार के 2014 के चुनाव में भी आपने अच्छी मेहनत की चुनाव जीतने के लिए, लेकिन वहां से जो खबरें आ रही हैं, जैसे प्रधानमंत्री जी ने घोषणा करी थी कि हम 1 साल के अंदर गंगा जी के घाटों को पूरा साफ कर देंगे और गंगा जी को पूरा स्वच्छ कर देंगे, गुजरात में जो बनारस में जो उद्योग धंधे हैं, साड़ी का धंधा है, दूसरे हस्तकरघा उद्योग धंधा है, वामिनी उद्योग धंधा, और खास तौर पर बनारस शहर को हम साफ स्वच्छ करेंगे और यहाँ विकास की, ऐसा कुछ भी उन्होंने 3 साल में किया नहीं। और एक मैं आपको खबर बता रहा हूँ, 12 उन्होंने वोट दी थी, इलेक्ट्रॉनिक वोटें दी थी गंगा जी के साफ सफाई के लिए, उसमें की अभी मेरे पास रिपोर्ट है, उस 12 में से 9 वोटे खराब है, 3 ही वोटे काम कर रही है। वो आपको टीवी चैनल आप ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन उनका तो कहना है कि हमने एक स्पेशल मंत्रालय बनाया जिसकी मंत्री उमा भारती जी है, तो वो उस पर काम कर रहे हैं गंगा मैया की सफाई के लिए। तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि जो विशेष एक मंत्रालय बनाया गया है जिसकी मंत्री आदरणीय उमा भारती जी हैं, वो आपके चैनल के माध्यम से या अन्य चैनल के माध्यम से जरा देश की जनता को बता दें कि उन्होंने जो केंद्र सरकार ने अपने वित्तीय बजट में से जो उनको 20,000 करोड़ रुपए दिया है, वो खर्चे का ब्यौरा दे दें कि हमने 20,000 करोड़ रुपए हमें मिले और हमने गंगा जी को स्वच्छ रखने के लिए जी। आखिर क्या हुआ कि बनारस में प्रधानमंत्री को भी रोड पर आना पड़ा?
देखिए, जब कोई व्यक्ति आवश्यकता से अधिक मेहनत करता है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर असुरक्षा की भावना होती है, या कहीं ना कहीं उसको संकेत मिलते हैं, या कहीं ना कहीं से उसको सूचनाएं मिलती है कि यहां पर हम पिछड़ने जा रहे हैं जी। तो वो अपने उस बात को मजबूत करने के लिए वो गंभीर हो जाते हैं और वो रणनीति बनाते हैं और उसको अपना पर्सनल इशू बनाते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में हम कहीं भी हार जाएं, लेकिन हम बनारस में चुनाव हार गए तो उत्तर प्रदेश की जनता के साथ साथ पूरे देश की जनता के बीच में हमारे लिए एक नकारात्मक संदेश जाएगा। मुझे ऐसा लगता है जी। मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने इसको अपना अहम का मुद्दा बना लिया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि या पार्टी के अंदर बगावत हो उसका भी कुछ असर होगा, ऐसी कोई बात है नहीं। हाँ ये है कि वहां पर जो वर्तमान जो वहां के विधायक हैं अजय कुमार जी, वो बनारस में वो 7 बार से लगातार विधायक होते आ रहे हैं और उनकी साफ सुथरी छवि है, उन पर किसी भी प्रकार का कोई दोषारोपण और बनारस की जनता नहीं लगाती, बल्कि लोग उनको मुख्यमंत्री का दावेदार भी मान रहे थे, दादाजी के नाम से जाने जाते हैं। मुख्यमंत्री का दावेदार भी उनको वहां के पूर्वांचल के लोग देखते हैं और वो छुपे दगे छुपे उनकी मुख्यमंत्री पेश करने की भी बात भी करते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन होने की वजह से वो लोगों की जो एक उम्मीद थी कि इनको भी प्रोजेक्ट किया जाए वो हो नहीं सका जी। गठबंधन की बात की आपने, बहुत अच्छी काम की बात थी, ये कि गठबंधन की राजनीति को आप किस तरह देखते हैं, खासतौर से कांग्रेस के और समाजवादी के गठबंधन से उत्तर प्रदेश की राजनीति पे क्या असर पड़ा है? गठबंधन होना अब एक तरह से अनिवार्य सा हो गया है। आप यदि आप सभी प्रांतों का अगर आप आकलन करेंगे, सभी प्रांतों का आकलन आप करेंगे तो मध्य भारत को छोड़ दिया जाए और उत्तर भारत को छोड़ दिया जाए, और थोड़ा सा पश्चिम भारत को छोड़ दिया जाए तो अन्य भारत में आप देखेंगे सभी जगह क्षेत्रीय पार्टियों का बोलबाला है। जैसे कि तमिलनाडु में पिछले हम बात करते हैं जो चुनाव है, हम क्षेत्रीय पार्टियों की बात करेंगे आपसे, जो चुनाव यूपी में खासतौर से जो गठबंधन हुआ कांग्रेस का और समाजवादी का, इसका क्या असर होगा? देखिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी के जो जनक हैं और कांग्रेस पार्टी 1952 में चुनाव के बाद जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी, वो उनका होम टाउन है, उनका गृह प्रदेश है वो, और उसके बाद फिर वर्तमान देश की हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री जी और भी अन्य कांग्रेसाई के नेताओं ने उस प्रदेश का नेतृत्व किया जी। तो उत्तर प्रदेश में आप कभी भी कांग्रेसाई को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते जी। भले कांग्रेसाई के पिछली बार 28 सीटें आई हों, लेकिन कांग्रेसाई का मत प्रतिशत काफी अच्छा था जी। इन्हीं सब बातों को देखते हुए समाजवादी पार्टी की कुछ आंतरिक कलह थी, पारिवारिक विवाद था, अंतर कलह था, या कुछ लोगों की समाजवादी पार्टी में एक षड्यंत्र के तहत कुछ लोगों ने समाजवादी पार्टी को नष्ट करने के मंशा से समाजवादी पार्टी में वो आए, वो उससे समाजवादी पार्टी को लगा के कहीं हमें ये नुकसान ना हो जाए इसका, तो उन समाजवादी पार्टी ने एक सूझबूझ का परिचय दिया और जो समान विचार वाली जो पार्टी थी कांग्रेस आई, जिससे बहुत बड़ा वैचारिक मतभेद समाजवादी पार्टी का कांग्रेस आई से नहीं है। वर्तमान समय में जो भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए
और बहन मायावती जी से मुकाबला करने के लिए एक समाजवादी पार्टी ने ये निर्णय लिया कि हमें कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये उनका निर्णय उनके हित में जाएगा। और हमारे पास जो खबरें हैं, समाजवादी पार्टी कांग्रेस आई का गठबंधन वहाँ आसानी के साथ बहुमत के करीब पहुंची। बाकी दूसरी जो पार्टियां जो दावेदार जैसे बहुजन समाज पार्टी है या भारतीय जनता पार्टी है, इनको दूसरे और तीसरे पे किस नंबर पे देखते हैं हम? देखिए, बहन मायावती जी की पार्टी बहुजन समाज पार्टी, इसमें कोई दो राय नहीं कि सबसे सॉलिड वोट मत प्रतिशत अगर उत्तर प्रदेश में किसी का है तो वो बहन मायावती जी का है, 20% दलित वोट। लेकिन बहन मायावती जी को सत्ता के करीब हम इसलिए नहीं देख रहे हैं क्योंकि बहन मायावती जी ने जो सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से जो उन्होंने 2007 में जो सत्ता प्राप्त की थी, इस बार भी उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला अपनाया और जिस विधानसभा क्षेत्र में जिस जाति का मत प्रतिशत ज्यादा था उसी जाति का उन्होंने उम्मीदवार उतार दिया। तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बता दूं, बहन मायावती जी की पार्टी को उस दलितों के अलावा जो अन्य समाज के उम्मीदवार को बहन मायावती जी ने उम्मीदवार अपनी पार्टी का बनाया है, वो उस सीट पर तो बहन मायावती जी को वोट दे देगा जी, जहां पर जिस जात के उम्मीदवार को बहन मायावती जी ने उतारा है अपने चुनाव में फायदे के लिए। लेकिन उसी जाति का अन्य किसी विधानसभा क्षेत्र में बहन मायावती जी को वोट नहीं देता, अन्य समाज का वोट दलितों के अलावा वोट नहीं देता, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहन मायावती जी ने जो 97 मुस्लिम को जो अपनी पार्टी का चुनाव टिकट दिया है, इन 97 सीटों में तो बहन मायावती जी को शायद अखिलेश जी से कुछ कम या उनके बराबरी के शायद वोट मिल जाए 97 सीटों पर। लेकिन अन्य सीटों पर बहन मायावती जी को मुस्लिम समाज का वोट बहुत ही कम मिलते दिख रहा है, ये हमारा आंकलन है। ये हम ये नहीं, मेरा समाजवादी पार्टी कांग्रेस की सरकार बनाने का जो आंकलन है वो इसी आधार पर है कि तकरीबन मुस्लिम और यादव समाज और अन्य समाज मिलाकर तकरीबन 35-40% है जो उनका ठोस आधार है। मतलब हंग असेंबली की बात आप नहीं समझ पाते, कहीं ऐसा तो ना हो कि किसी पार्टी को बहुमत ना मिले? मुझे दूर दूर तक हंग असेंबली की कोई बात नजर आ नहीं रही। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद असलम साहब हमसे बातचीत करने का और प्रदेश की राजनीति को बहुत क्लोज से, बहुत नजदीक से उसका विश्लेषण करने का, हमारे दर्शकों को बताने का। हम आपका शुक्रिया एक बार फिर से अदा करते हैं।